शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी आप सभी का इस NIOS के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन, और भाषा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जो भाषा जो शिक्षा विभाग महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। मैं इस स्टूडियो में डॉक्टर ग्रीस का स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आने के लिए धन्यवाद, और आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर हमारे शिक्षार्थियों को बताएं कि भाषा में और भाषा उससे पहले कि आकलन और मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके संपर्त्य पर थोड़ा प्रकाश डालिए। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसा कि आपने बताया कि चर्चा का जो हमारा विषय है भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन, तो आकलन एवं मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ शिक्षण में ही नहीं या भाषा शिक्षण में ही नहीं, बल्कि हम अपने दैनिक जीवन में आए दिन रोज किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी तथ्य का, किसी समाचार का आकलन मूल्यांकन करते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये उपयोगी है या अनुपयोगी है, तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने दैनिक जीवन में आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य करते रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका संप्रत्यय क्या है या इससे हमारा क्या आशय है। तो आकलन एवं मूल्यांकन समग्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है और दोनों पदों को अलग अलग भी प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ये दोनों दो अलग अलग पद हैं एवं इन दोनों के अर्थ भी भिन्न हैं। आकलन को जहां एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं, वहीं मूल्यांकन को योगात्मक प्रक्रिया माना गया है, जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार से आकलन एवं मूल्यांकन दो भिन्न अर्थ वाले भिन्न भिन्न पद हैं। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्र व अध्यापक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना, और छात्रों से अच्छा है कि हम विद्यार्थी कहें, विद्यार्थियों व अध्यापक को पृष्ठ पोषण प्रदान करना तथा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना आदि इसका उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्य निर्णयन करना होता है, हम मूल्य देते हैं या हम उसे शब्द के रूप में अच्छा बुरा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोग आदि के रूप में हम निर्णय कर देते हैं। जैसे निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना, यह मूल्यांकन का उदाहरण है। इस प्रकार आकलन एवं मूल्यांकन दोनों भिन्न भिन्न उद्देश्य से भिन्न भिन्न समय पर विद्यार्थियों की उपलब्धि का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, दोनों का समय भिन्न होता है, लेकिन प्रक्रिया दोनों की एक ही होती है और दोनों के द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धि का अनुमान लगाया जाता है। बहुत सही कहा डॉक्टर गिरीश। मैं अब चाहूँगा कि आप बताएं कि भाषा शिक्षण में आकलन और मूल्यांकन के संप्रत्यय को हम कैसे समझें। जब भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन की बात की जाती है तो इसका आशय हम उन प्रक्रियाओं से ले सकते हैं या उन प्रक्रियाओं से समझ सकते हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा संबंधी समस्त कौशलों के संबंध में शिक्षण अवधि के दौरान एवं पाठ्यक्रम की समाप्ति पर निर्णय करता है। शिक्षण अवधि के दौरान भी और पाठ्यक्रम की समाप्ति पर भी। जब एक शिक्षक आकलन करता है तो वो क्या देखता है, यह जानना मुख्य बात है, या कह सकते हैं कि शिक्षक
या एक भाषा शिक्षक अपने विद्यार्थी का आकलन करते समय किन चीजों पर ध्यान रखता है? जी, विद्यार्थी कितना पढ़ पाता है, कैसे पढ़ पाता है, रुक रुक कर पढ़ता है या धारा प्रवाह पढ़ता है? अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके कारण क्या है? क्या वह अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा है या शब्दों को एक इकाई के रूप में पढ़ने का अभ्यस्त नहीं है? जी। अब ये दोनों दो अलग अलग कारण हैं जिसके परिणाम एक है कि विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। परिणाम तो एक ही है, लेकिन अगर हम कारण को न जाने तो हम उसका उपचार ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब डेंगू का बुखार हो और चिकनगुनिया बुखार हो, दोनों का इलाज हम बुखार मानकर करें तो ये संभव नहीं है। निदान आवश्यक है, निदान आवश्यक है, कारण को ढूंढना आवश्यक है कि आखिर विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है तो कारण क्या है। हो सकता है कि उसका उच्चारण तंत्र ही ठीक ढंग से विकसित नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से वो उच्चारण नहीं कर पा रहा हो। भाषा को सुनकर वो कितना समझ पाता है, जी, कितने आत्मविश्वास से वह स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है, इन सब तथ्यों पर शिक्षक आकलन करते समय अपनी दृष्टि रखता है। इसी को अगर हम आकलन के बिंदु के रूप में देखें, जी जी, कि भाषा में आकलन करते समय या मूल्यांकन करते समय किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बिंदुबद्ध कर सकते जी, हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें, जब विद्यार्थी भाषा सीखने की शुरुआत करता है तो उस स्तर पर हम सबसे पहले प्रवाहिता की जांच करते हैं कि विद्यार्थी कितनी प्रवाहिता के साथ बोल रहा है या सुनकर समझ रहा है या लिख रहा है आदि। फिर हम शुद्धता की बात करते हैं कि विद्यार्थी कितना शुद्ध बोल रहा है या कितना शुद्ध लिख रहा है या सुनकर जो समझ रहा है उसमें कितनी शुद्धता है। चूंकि यह प्राथमिक स्तर होता है तो यहां पर ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रवाहिता, यानी विद्यार्थी में भाषा के प्रवाह को बनाना इस स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम शुद्धता पर बाद में ध्यान देते हैं, प्रवाहिता पर पहले, कि उसका प्रवाह बना है कि नहीं। जी। एक बार जब प्रवाह बन जाएगा तो हम उसमें शुद्धता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता स्थापित करने के प्रयास में अगर हमने प्रवाह को रोक दिया तो वो फिर विकृति उत्पन्न करता है। प्राथमिक स्तर के बाद जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं या आकलन की बात करते हैं तो हम प्रवाहिता एवं शुद्धता का संतुलन देखते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रवाहिता होना भी श्रेयस्कर नहीं है जी। और सिर्फ शुद्धता होना भी श्रेयस्कर नहीं है। तो यहां पर हमें यह देखना होता है कि विद्यार्थी में प्रवाहिता और शुद्धता दोनों का उचित तालमेल बना रहे जी। तभी उसका भाषाई कौशल विकसित हो सकता है जी। और भाषाई कौशलों का आकलन इसके बाद की स्थिति होती है जी। जो चार प्रमुख कौशल हैं हमारे, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल एवं लेखन कौशल, इन सब का मूल्यांकन इसके उपरांत हम करते हैं। इस प्रकार से भाषा में आकलन एवं मूल्यांकन करते समय इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जी। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया तो अनवरत चलती है जी। वो अभी भी हो रही है, तो किन तरीकों से हो रही है और क्या तरीके होने चाहिए, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण, ये जानना आवश्यक है, आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे विस्तृत से जानकारी दें। तो पहले तो मैं बात करूंगा जो तरीके अभी प्रचलन में है उनकी जी, कि मूल्यांकन के जो तरीके आज शिक्षक द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा भाषा में आकलन एवं मूल्यांकन करने के लिए जो तरीका प्रयोग में लाया जाता है वो सामान्यतः दो तरीके हैं, लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में सामान्यतः क्या होता है कि विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक से
या पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो विषय वस्तु है उसमें जो व्याकरणिक संरचना है उसके आधार पर उससे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थी उसका अगर संतुष्टिप्रद उत्तर दे देता है तो विद्यार्थी मौखिक परीक्षा में पास उत्तीर्ण, अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाता है। लिखित परीक्षा की जब बात की जाती है तो लिखित परीक्षा में हम प्रश्न पत्र बनाते हैं और विद्यार्थियों से उसके उत्तर मांगते हैं। विद्यार्थी उन प्रश्न पत्रों का उत्तर दे देता है और वो प्रश्न पत्र विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित होते हैं। विद्यार्थी उन प्रश्न पत्रों पर संतुष्टिप्रद अगर उत्तर दे दिया तो उत्तीर्ण, नहीं तो अनुत्तीर्ण। इस प्रकार से हम आकलन एवं मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन क्या यह उपयुक्त है? यह यक्ष प्रश्न है कि हम जिन तरीकों से मूल्यांकन कर रहे हैं क्या वो वास्तव में भाषा या भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे, चाहे मौखिक या लिखित रूप में, और विद्यार्थी ने उसका उत्तर दिया। मतलब कि विद्यार्थी के स्मृति का मूल्यांकन किया गया जी, उसके स्मरण शक्ति का मूल्यांकन हुआ। तो हम मूल्यांकन तो कर रहे हैं भाषा का कि विद्यार्थी में कितना भाषाई कौशल है। मूल्यांकन हो किसका रहा है? उसकी स्मरण शक्ति का जी। तो उसकी स्मरण शक्ति का मूल्यांकन निरुद्देश्य है हमारे लिए जी। हमारा उद्देश्य तो कहीं से पूर्ण ही नहीं होता है जी। तो ये जो प्रचलित तरीके हैं वो मूल्यांकन या आकलन करने में सर्वथा अक्षम है, भाषा के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ही नहीं, अक्षम है जी। क्योंकि ये भाषा का आकलन एवं मूल्यांकन, या यूं कह ले कि विद्यार्थी के भाषाई ज्ञान का आकलन एवं मूल्यांकन तो करते ही नहीं है। मूल्यांकन हो किसका रहा है? उसकी स्मृति का, कि उसे उस प्रश्न का उत्तर याद है कि नहीं है। याद है तो उसने लिख दिया, नहीं है तो कहानी बनाई, बात बनाया, और उस बात बनाने का उसको कोई अंक नहीं मिलता है। अगर उस कहानी का या उस बात बनाने का ही उसको कुछ अंक मिल जाता तो ये होता कि उसके लेखन शैली को देखकर शिक्षक ने उसे कुछ नंबर दिया तो उसके लेखन शैली का मूल्यांकन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा आपको आगे अभी जी। तो मूल्यांकन होना कैसे हो चाहिए जी। ये तो जो प्रचलित तरीके हैं उसकी बात हो गई, अब सही तरीके कौन से, कौन से है, किस रूप में मूल्यांकन करना चाहिए। अब आपको अभी मेरी बातों में थोड़ा सा विरोधाभास लगेगा क्योंकि मैं फिर उन्हीं मौखिक परीक्षण और लिखित परीक्षण की बात करूंगा कि मूल्यांकन होना इन्हीं तकनीकों के माध्यम से चाहिए। मौखिक परीक्षण जो कि औपचारिक या अनौपचारिक या दोनों हो सकते हैं। अनौपचारिक, कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते किसी विद्यार्थी से कुछ पूछ लिया, किसी विद्यार्थी को कविता का भाव बताने के लिए कह दिया, या उस कविता को या कहानी को पढ़ के जो उसके मन में आया, चाहे अच्छा या बुरा, जो विचार उसके मन में आए उसको मैंने कहा कि तुम अपने विचार बताओ जी। अब हम यहां पे उसके स्मृति का, उसकी याददाश्त का हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो उसके मन में विचार है उसको वो कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। हम कहानी कथन का सहारा ले सकते हैं जी। हम विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि तुम कोई कहानी बताओ, उससे हम उसके उच्चारण कौशल जी, उसकी अभिव्यक्ति कौशल और विचारों के साथ अभिव्यक्ति की जो तारतम्यता होती है कि मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं और हम उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये एक जो तारतम्यता है इसका भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं यहां पर। आनन अभिव्यक्ति कैसी है, कहानी कहते समय कहानी के जो भाव है उस भाव के अनुकूल उसके चेहरे पर वो भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन शब्द का अर्थ गहराई से समझ रहा है, तो वो संप्रेषण की उपयुक्तता बताती है, वो भाव जो है वो बताते हैं कि आपके संप्रेषण की क्षमता उपयुक्त है, सशक्त है, तो वो आ रहा है कि नहीं। बोल कर पढ़ना, हमने विद्यार्थी को कहा कि आप इस पुस्तक के इस अंश को बोल कर पढ़िए,
या समाचार पत्र के इस अंश को बोलकर पढ़िए, लाउड रीडिंग जिसको कहते हैं। फायदा क्या है? विद्यार्थी जब बोलकर पढ़ेगा तो अपने उच्चारण को खुद भी सुन रहा है और सामने बैठा विद्यार्थी या शिक्षक भी सुन रहा है। विद्यार्थी अपनी गलती खुद समझ रहा है, सामने वाला विद्यार्थी भी समझ रहा है, तो वो एक दूसरे को अपनी गलतियों से, अपनी त्रुटियों से अवगत कराते हैं। जी। सामने बैठा विद्यार्थी वो बताता है कि आपने ये उच्चारण इस स्थान पर त्रुटिपूर्ण ढंग से किया है। तो ये बात उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देने में भी फायदे होती है और शिक्षक भी देखता है। बोलकर पढ़ने की जब बात की जाती तो शिक्षक भी विद्यार्थी के उच्चारण कौशल का आकलन कर लेता है कि जितना आरोह अवरोह होना चाहिए, जितना प्रवाह होना चाहिए, जितना ठहराव होना चाहिए। प्रवाह और ठहराव उच्चारण के लिए तो, संप्रेषण के लिए तो ये दोनों बहुत ही आवश्यक है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को पतित तपावन सीताराम कह दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो गया। पतित पावन सीताराम और पति तपावन सीताराम कोई अर्थ ही नहीं है। तो ठहराव का होना बहुत ही आवश्यक है। तो उचित ठहराव का होना, उचित प्रवाह का होना, ये सारी चीजें हैं कि नहीं, ये सब हम जब बोलकर पढ़ने की बात करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन उस स्थिति में कर सकते हैं। फिर देखी या सुनी बात का वर्णन करना। देखी या सुनी बात, हम अपने वातावरण में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। हम घर से विद्यालय के लिए निकले और हमने कोई चीज देखी। अब हम, हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ देखता है या सुनता है। अब हम अपने विद्यार्थियों से यह कह सकते हैं कि आज घर से विद्यालय आते समय आपने जो चीज देखा या सुना या जो घटना आपने देखी उसका आपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब इससे हम ये देख सकते हैं उसका शब्दकोश कितना विकसित है, उसकी उच्चारण शैली कैसी है, जो घटना उसने देखी या सुनी उसको शब्दों में निबद्ध करने की क्षमता उसके पास है कि नहीं है। तो उसके क्षमता, अगर उसको हम लिखने की बात कहें तो उसके लेखन क्षमता की भी बात यहां पर आ जाती है। तो इस प्रकार से इन तरीकों के माध्यम से मौखिक परीक्षण का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी युक्तियां बदल देने से हम वास्तव में शिक्षक का एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक, क्योंकि इन युक्तियों के माध्यम से हम वास्तव में भाषाई क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं। जी। ऐसे ही हम लिखित परीक्षा और अवलोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। विद्यार्थी अपने साथी समूह में या कक्षा में निरंतर बातचीत एक दूसरे से करते रहते हैं, विभिन्न विषयों पर उनमें चर्चा परिचर्चा होते रहती है। एक शिक्षक के रूप में हमारा काम यह होता है कि हम उनको अवलोकित करते रहें और उस अवलोकन का रिकॉर्ड रखें अपने पास भाषाई क्षमता के लिए, कि किस विद्यार्थी की भाषाई क्षमता क्या है, कौन कौन से कौशल उसमें कितने विकसित हैं आदि का रिकॉर्ड रखें, ताकि उनका मूल्यांकन या आकलन करते समय हमें उसमें लाभ मिले या हम उसका सहारा ले सकें। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तो भाषाई क्षमता का मूल्यांकन ही नहीं करता है। इसके लिए हमें कुछ युक्तियां हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन। डिक्टेशन सुनकर लिखने की बात है, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर लिख रहा है। इससे विद्यार्थी में सुनकर समझने की कितनी क्षमता है, उसका श्रवण कौशल कितना विकसित हुआ है और वो कितनी शुद्धता के साथ लिख रहा है, यानी उसका लेखन कौशल कितना विकसित हुआ है, इन दोनों बातों की जांच होती है श्रुतलेख के माध्यम से। आपूर्ति परीक्षण, जिसको कि प्रचलित रूप में क्लोज टेस्ट कहा जाता है, इसमें हम विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक का ही या किसी अन्य जगह से
कोई निबंध या कोई कहानी या कोई नाटक का एक अंश ले लेते हैं और उसमें विभिन्न स्थानों के शब्दों को निकाल दिया जाता है, फिर उसे विद्यार्थी के सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि आप इन रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की पूर्ति करें, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। तो इसके माध्यम से हम विद्यार्थी की कई क्षमताओं का मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं, जैसे व्याकरणिक संरचना पर विद्यार्थी की कितनी पकड़ है, क्योंकि व्याकरणिक संरचना के अनुसार शब्दों को रखना होता है। हम संज्ञा की जगह क्रिया को नहीं रख सकते, क्रिया की जगह संज्ञा को नहीं रख सकते हैं। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इस संरचना में यहां पर कौन सा शब्द आएगा। जी। शब्द भंडार, भाई जब तक शब्द हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे चयनित करेंगे। जी। कभी कभी तो शब्द विकल्प के रूप में नीचे दिए होते हैं, कभी कभी हमें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके वहां पर उपयुक्त शब्द भरने होते हैं। तो शब्द भंडार, पढ़कर समझना, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, पढ़कर समझने की कला आदि का परीक्षण हम यहां कर सकते हैं। जी। किसी पठित कहानी का अपनी मातृभाषा में पुनर्लेखन, जी, इससे हम लेखन क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो रहा है यहां, तो विद्यार्थी के अनुवाद कौशल का भी यहां हम मूल्यांकन कर रहे हैं। जी। कहानी का शीर्षक लिखना, शीर्षक देना अपने आप में एक दुरूह कार्य है। जी। जब तक हम उस कहानी को या उस निबंध को या उस उपन्यास को, मतलब जो भी अवतरण हमारे पास है, उसको हम पढ़कर और पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम उसका शीर्षक नहीं दे सकते। सिंथेसिस का प्रोसेस है, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों कार्य यहां पर करना जी, है। जी, जी। क्योंकि हम पहले जब तक उसके विभिन्न भागों की एनालिसिस नहीं करेंगे कि ये अलग अलग भाग जो होते हैं किसी भी निबंध के या कहानी के अलग अलग भाग होते हैं, वो समेकित रूप में होता तो अवश्य है, लेकिन उसके भाग अलग अलग होते हैं। कहीं पर पात्रों को परिचित कराया जाता है, फिर विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए उसमें प्लॉटिंग की जाती है, फिर उसकी कंक्लूडिंग की जाती है, तो अलग अलग भाग होते हैं उसके। और हम उसका शीर्षक तभी दे सकते हैं जबकि उन सारे भागों को समझ सकें और फिर उसको एक साथ मिला सके, उसका निचोड़ निचोड़ निकाल सके, यानी विश्लेषण और संश्लेषण दोनों प्रक्रियाएं यहां पर सम्मिलित हैं। फिर जब हम उसको समझ सकते हैं तो हम उससे प्रश्न भी बना सकते हैं, तो प्रश्न कौशल का भी विकास हमारे अंदर होता है इस माध्यम से, उसकी भी हम जांच कर सकते हैं। हम विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि भाई आप इस कहानी के आधार पर 10 प्रश्न बनाएं। अब मान लीजिए कि आप नाटक पढ़ा रहे हैं, तो नाटक पढ़ाने के बाद उस नाटक पर विद्यार्थी कितना स्वामित्व हुआ, इसका आकलन करने के लिए हम नाटक से कुछ प्रश्न पूछ ले, विद्यार्थी उत्तर दे दे, हो गया नहीं जी। क्योंकि नाटक के जो विभिन्न अंग हैं, उसकी सज्जा कैसी होनी चाहिए, मंच सज्जा कैसी होनी चाहिए, पात्र पात्रों की सज्जा कैसी होनी चाहिए, कब किस पात्र का प्रवेश होना है, किस पात्र को क्या संवाद बोलने हैं, नाटक के तो ये सारे अंग हैं जी। प्रश्न पूछना तो नाटक का अंग ही नहीं है जी। तो हम प्रश्न पूछने की बजाय नाटक का मंचन करवा ले, हम संवाद लेखन करवा ले, तो इस तरीके से आकलन ज्यादा श्रेयस्कर होगा। हम कविता की व्याख्या करवा सकते हैं या उसका भावार्थ लिखवा सकते हैं, इस प्रकार से हम मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, एक और प्रश्न विद्यार्थियों के मन में उठ सकता है कि मूल्यांकन या आकलन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि परीक्षण विद्यार्थी की भाषाई ज्ञान एवं क्षमता का आकलन एवं मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए, न कि उनकी स्मरण शक्ति का। और दूसरी बात, आकलन करते समय हमें विद्यार्थी के कमजोर पक्षों को ही नहीं इंगित करना चाहिए, बल्कि उनके कारण को भी ढूंढना चाहिए जिनके कारण विद्यार्थी के वो पक्ष कमजोर हैं। लेकिन अक्सर हम करते क्या है कि घर में जाला लगा है, हमने झाड़ू उठाया, जाला मार दिया, घर साफ हो गया, लेकिन ये तो अस्थाई उपाय है।
मकड़ी फिर जाला लगा देगी। तो जो अंग्रेजी में कहावत है किल द स्पाइडर नॉट द कोबब्स, हम मकड़ी ही मार दे जाले लगेंगे ही नहीं। अगर हम समस्या का जड़ से निदान कर दें, हम उसके कारण को ही खत्म कर दें, तो वो समस्या आएगी नहीं। इसलिए कारण को ढूंढना अति आवश्यक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो चर्चा की डॉक्टर त्रिपाठी, भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन को लेकर, उसमें हमने मूल्यांकन के आशय, मूल्यांकन के जो विभिन्न बिंदु हैं, जो प्रचलित तरीके हैं, और मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जा सकने वाले जो अन्य तरीके हैं या जो अपनाए जाने वाले तरीके हैं, साथ ही साथ जो सावधानियां हमें मूल्यांकन करते समय लेनी चाहिए, इन सब बातों को हमने अपने विद्यार्थियों को बताया। डॉक्टर गिरी साहब, जो कह रहे थे कि उदाहरण मैं दूंगा आपको, मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षार्थियों को आप उदाहरण देके समझाएं इस बात को। हाँ, मैंने उदाहरण की एक बात की थी डॉक्टर त्रिपाठी, और कहा था जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को हल करना था, तो उसने एक प्रश्न था कि महाराणा प्रताप की कहानी हम लोगों को पढ़नी थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि पन्ना धाय का चरित्र चित्रण करें। जी, तो पन्ना धाय का चरित्र चित्रण जो हम लोगों को पढ़ाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि पन्ना धाय का चरित्र बहुत ही महान था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को छोड़कर राजधर्म का पालन करते हुए राजा के पुत्र के प्राण की रक्षा की थी। लेकिन चरित्र चित्रण लिखते समय मैंने ये लिखा था कि माना कि पन्ना धाय बहुत महान महिला थी और उन्होंने अपने राजधर्म का निर्वाह किया, उन्होंने अपने पुत्र के स्थान पर राजा के पुत्र की रक्षा की, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका चरित्र इस पक्ष पर कमजोर हो जाता है कि उन्होंने अपना मातृधर्म नहीं निभाया, उन्होंने अपने पुत्र के प्राण को संकट में डाल दिए। तो यहाँ पर उनका चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ जाता है। अब शिक्षक ने जो मेरा मूल्यांकन किया था इस प्रश्न के उत्तर को लेकर, उस पे मुझे 0 अंक मिले थे, जो कि भाषा का उत्तर था। और जब मैंने इस अंक पर असहमति अपनी व्यक्त की, तो उनका उत्तर ये था कि हमने जो बताया वो आपने नहीं लिखा। तो चरित्र चित्रण हमें करना है, हमें लिखना है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति, हम जो पन्ना धाय का चरित्र समझ रहे हैं, हम वो लिखेंगे, वो करेंगे, न कि जो पन्ना धाय के चरित्र को आपने जो निश्चित कर दिया कि उनका यही चरित्र है वो लिखे। तो ऐसा हुआ, शिक्षक से विवाद भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन मुझे अंतिम रूप से 0 ही अंक मिले थे। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता था कि जब हम विद्यार्थी के भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं, तो हम उसके स्मृति को न जांचे कि आपने जो पन्ना धाय का चरित्र मुझे याद करवाया था वो मैंने लिखा कि नहीं लिखा। जो चरित्र मैंने समझा, आप ये देखिए कि उनके चरित्र का ये पक्ष था कि नहीं जो विद्यार्थी ने लिखा। जी, आप इस बात पर मूल्यांकन कीजिए, तब जाके कहीं उसके भाषाई कौशल का मूल्यांकन होगा। तो यही मैं अपने विद्यार्थियों को उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीस, आपने इस विषय को, जो काफ़ी तकनीकी विषय माना जाता है, कठिन विषय माना जाता है, इतने सरल और सहज तरीके से और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा। मुझे आशा है कि हमारे जो भाषा शिक्षक हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक सही तरीके से भाषा का मूल्यांकन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।